के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने आर्गोनोमेटली कंपाउंड के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। आर्गोनोमेटली कंपाउंड के अंतर्गत हम गिगनार रीजन की बात करते हैं कि गिगनार रीजन क्या है, उसकी सिंथेसिस कैसे होगी और उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है। गिगनार रीजन के माध्यम से हम कई प्रकार के कंपाउंड हम बना सकते हैं, तो हमें बात करनी है उसके बारे में। तो बात करनी उसी के आगे हमें बात करना है फॉर्मेशन ऑफ फिनाल के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ फिनाल के बारे में कि हम फिनाल का निर्माण किस प्रकार से करें गिरनार रिजेंट के माध्यम से। गिरनार रिजेंट के माध्यम से हम फिनाल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो कहते हैं जब हम फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम वाटर से करा सकते हैं। फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा दें और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहा गया कि वह फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन फिनाल इज फॉर्म। मतलब क्या कहा गया कि जब हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो फिनाल का निर्माण होता है और MgOHBr निकल जाता है। ये हमारा क्या है फिनाल। इस तरह से हम फिनाल का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा क्या है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से हम गिगनार रिएक्शन के माध्यम से हम फिनाल का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनाल। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी
कहते हैं क्या कि जब हम विग्नान रिएक्शन क्लोराइड के साथ इस्तेमाल इसके साथ क्लोराइड के साथ इस्तेमाल है तो ये हमारा क्या है नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव क्या करेंगे क्या बन जाएगा C2H5NH2+MgCl और Br ये हमारा क्या है एथिलीन एथिलीन है जो कि मतलब ऐसा होता है 1 डिग्री तो हम क्या है ये विग्नान रिएक्शन हम क्लोरामीन के साथ करा देते हैं तो हमारा प्राइमरी एमीन का निर्माण हो जाएगा आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स तो मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हम दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस प्रकार से फॉर्म करेंगे तो देखें यहां पर कि जब हम रिग्नार्ड रिएक्शन ले जो कि क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा क्या है रिग्नार्ड रिएक्शन उसकी हम रिएक्शन टेट्रा एथिलेट इसको हम
स्टार्ट में कह सकते हैं के टी ई एल टे प्लस क्या निकलेगा, तो ये हमारा इस प्रकार से क्या बन गया, चक्रा रखे डेल्टा निर्माण हो गया। उसके बाद हमारा क्या बना, फोर मालिक्यूल एम जी सी एल और बी आर प्लस क्या बना पीबी प्लस पीबी। इस प्रकार से हमारा एक आयोनिक बैटरी का माउंट से दूसरे आयोनिक बैटरी का माउंट को हम बना सकते हैं। बड़ी इजीली बनाया जा सकता है कि किस प्रकार से हम गिलनार्ड की प्रक्रिया हमारा क्या होगी, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के लिए हमने लेड क्लोराइड के साथ, जब लेड क्लोराइड के साथ जाते हैं तो ये हमारे एक एलोमेटिक कंपाउंड है। एलोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, का मतलब क्या है कि कार्बन मेटल बांड, कार्बन मेटल डायरेक्ट बांड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कार्बन मेटल बांड प्रेजेंट है तो क्या कहलाता है, आधोनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो हमने क्या है, एक आधोनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरा आधोनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म। इस प्रकार से हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं।